हेलो एवरीवन मैं हूं सी आयुष गुप्ता एंड इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी अपनी सी फाइनल मे 24 पेपर नंबर सिक्स दैट इज आईबीएस की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें आई हैव स्कोर 67 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो जैसा कि आपको पता है आईबीएस इज ऑफ 100 मार्क्स जिसमें हमें फोर आवर्स मिलते हैं एग्जाम में एंड आउट ऑफ दिस हंड्रेड मार्क्स फोर्टी मार्क्स इज ऑफ एम एंड रिमेनिंग सिक्सटी इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो एम में आई हैव स्कोर थर्टी मार्क्स एंड इन डिस्क्रिप्टिव आई हैव स्कोर थर्टी मार्क्स मेकिंग इट अ टोटल ऑफ सिक्सटी सेवन मार्क्स इन दिस वीडियो वीर गोइंग टू एनालाइज माई डिस्क्रिप्टिव आंसरशीट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन मे ट्वेंटी फोर आई हैव अपियड फॉर ग्रुप टू ओनली बिकॉज ग्रुप वन मेरा ऑलरेडी नवंबर ट्वेंटी थ्री में क्लियर हो चुका था तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट भी रहता है कि जिनका फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो वो आई में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं हमें अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए सो वी आर गोइंग टू कवर एवरी इन दिस वीडियो वॉट यू हैव टू डू यू नीड टू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल योर डाउट विल गेट सॉल्व सो दिस इज द आंसर शीट ऑफ माई आई बी एस जिसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा है मार्क्स ऑफ टेन थर्टी सेवन आउट ऑफ सिक्सटी सो आई हैव स्टार्टेड केस स्टडी तो इसमें आई में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर में फाइव केस स्टडीज़ मिलती है जिसमें से हमें कोई भी फोर केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी पड़ती है इसमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन वन कंपलसरी क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं होता तो हमें फाइव में से कोई भी हम फोर केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं हर केस स्टडी ट्वेंटी फाइव मार्क्स की होती है जिसमें फिफ्टी मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होता है एंड टेन मार्क्स के एम होते हैं तो फोर इंटू टेन मार्क्स के हमारे टोटल एम सी होते हैं और एम भी हमें ओ शीट में ही अटैम्प्ट करना पड़ता है इधर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हमें एम सी नहीं करना पड़ता अदरवाइज हमें उसके कोई भी मार्क्स

आउट ऑफ फाइव आई गॉट थ्री पॉइंट फाइव मार्क्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आया था एस एफ एम की बुक से आया था जो कि अब ए एफ एम एफ एम के डायरेक्ट क्वेश्चन की direct question बुक से आया था तो इसमें बस फिगर्स चेंज थे तो आपको क्या करना है बस बुक ओपन करनी है और डायरेक्टली आपको आंसर कॉपी पेस्ट करना है इसमें मुझे थ्री पॉइंट फाइव मार्क्स मिले आई गेस मुझे थोड़ी बहुत और एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए थी तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाते तो फर्स्ट पार्ट में आई गॉट थ्री पॉइंट फाइव मार्क्स आउट ऑफ फाइव सेकेंड पार्ट था सिक्स मार्क्स का जो कि थियोरिटिकल क्वेश्चन था डी और आईडी का इसमें डी टी के भी कंसेप्ट थे और आईडी के भी कंसेप्ट थे और इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें पूछी थी तो इसमें आई गॉट टू पॉइंट फाइव मार्क्स आउट ऑफ सिक्स तो इसमें मेरे काफ़ी सारे मार्क्स डिडक्ट हो गए थे आई गेस या तो मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ नहीं पाई या फिर मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मैंने एक गलती ये भी कही थी आई के एग्जाम में कि मैं सारे मॉड्यूल्स आई सी के नहीं लेके गई थी मैंने अपने ग्रुप वन के तो सारे मॉड्यूल्स रखे थे एंड ग्रुप टू जिसमें मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी तो डी और आई के लिए मैंने सिर्फ अपने हैंड रिटर्न नोट्स कैरी करे थे मैं आई के मॉड्यूल्स नहीं कैरी करके गई थी सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप सबको कि आप सारे मॉड्यूल्स कैरी करना एग्जाम में बिकॉज जो भी थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम जब तक आई सी ए आई की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तब तक हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड बींग दिस एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन तो एग्जामिनर हमसे वही एक्सपेक्ट करता है कि हम एज इट इज़ आई सी ए आई की लैंग्वेज लिखें तो बिकॉज मैं इसमें अपने हैंड रिइटर नोट्स लेके गई थी तो मैंने अपने लैंग्वेज में ही आंसर लिखे थे तो इसमें आएगा टू पॉइंट फाइव मार्क्स एंड फिफ्थ का जो कि थर्ड पार्ट था दिस केम फ्रॉम लॉ तो ये डायरेक्टर चैप्टर से क्वेश्चन था एंड दिस वॉज फॉर फोर मार्क्स एंड आउट ऑफ दिस है तो इसमें भी मैंने प्रोविजन सही लिखा होगा तो उसके मुझे मार्क्स मिल गए होंगे बाकी और मुझे शायद एक्सप्लेन करना चाहिए था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं तो इन दिस केस स्टडी फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स आई हैव स्कोर्ड सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था केस स्टडी वन सो केस स्टडी वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इट केम फ्रॉम एफ आर जो कि इंडेस फोर्टी एंड इंडे एट का था एंड इट वॉज ऑल्सो फॉर फाइव मार्क्स तो इन विच आई है तो इसमें भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनशन और चाहिए थी आई एस तो पूरे मार्क्स मिल जाते सो थेरेटिकल क्वेश्चन में रहता ही है कि आपको अगर आईसीआई के आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसमें से जितने भी प्रोविजन है सब अच्छे से कॉपी पेस्ट करके आओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंड इसका जो सेकेंड पार्ट था फर्स्ट केस तरीका इट वॉज फ्रॉम ऑडिट तो ये स्टैंडर ऑडिट का क्वेश्चन था एक फाइव मार्क्स का और इसमें शायद मेरा फाइनल आंसर गलत हुआ था तो इसमें आई गॉट ओनली वन मार्क्स जिसमें शायद मुझे करेक्ट ऐसे नंबर कोड करने का करेक्ट प्रोविजन कोड करने का वन मार्क्स मिला था बाकी मेरा फाइनल आंसर गलत था तो इसमें मुझे वन मार्क्स मिला आउट ऑफ फाइव एंड जिसका थर्ड पार्ट था यह था एस से फाइव मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से ही आया था तो अगर मुझे पता होता कि किस चैप्टर से है ये तो मैं उसको ओपन करके कॉपी कर लेती बट मुझे ये नहीं पता था कि इस चैप्टर से है और मैं एस पहले से पढ़ के भी नहीं गई थी अपने एग्जाम से पहले जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिला और मुझसे जितना हो पाया मैंने अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट तो करेक्टली कैलकुलेट किया था और सेकंड पार्ट मुझे नहीं आता था तो वो मैंने छोड़ दिया था तो इसमें मुझे फाइव से थ्री मार्क्स मिल गए जो कि मैंने एक पार्ट करेक्टली कैलकुलेट किया था उसके तो इस केस स्टडी में भी आउट ऑफ फिफ्टीन आई हैव स्कोर्ड ओनली सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था केस थर्टी फोर तो केस थर्टी फोर का जो फर्स्ट पार्ट था वो था डी से जिसमें मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी और वो क्वेश्चन आया था एट मार्क्स का एंड इस एट मार्क्स में से मुझे सिक्स मार्क्स मिले थे बिकॉज मेरा पूरा क्वेश्चन सही था बट इसमें बस एक एडजस्टमेंट गलत हो गई थी जिसकी वजह से मेरा फाइनल आंसर भी गलत था तो उसमें मेरे टू मार्क्स डिडक्ट हुए और मुझे एट में से सिक्स मार्क्स मिले अब जो भी डी और आई के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें टोटल इनकम निकालनी पड़ती है या फिर टोटल टैक्स लाइडिली निकालनी पड़ती है या फिर अगर आई के क्वेश्चन हो गए जिसमें कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना पड़ता है नेट टैक्स पेबल निकालना पड़ता है तो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग नाइन आइटम्स होते हैं जिनकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तो उसमें आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जितनी भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उन सबके आपको नोट्स जरूर लिखे आने क्वेश्चन में बिकॉज नोट्स के भी मार्क्स होते हैं जैसे मैंने इसमें लिखा है अगर कुछ ऐड किया है तो वो क्यों ऐड किया है तो नीचे उसके ब्रैकेट में उनके साथ नोट्स भी लिखे हैं बिकॉज अगर हम नोट्स नहीं लिखेंगे तो उसके हमारे मार्क्स कटेंगे चाहे हमारा पूरा आंसर ठीक ही क्यों ना हो और दूसरी चीज कुछ लाइन आइटम्स कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है जिनकी हमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करनी पड़ती है तो उसमें भी हमें वो जरूर लिख के आना पड़ता है और उसमें अमाउंट जीरो या फिर नील लिख कर आना है काफी स्टूडेंट्स इन चीजों को छोड़ ही देते हैं कि इसको तो कोई एडजस्ट करना ही नहीं है ना ही ये ऐड होगा ना ही ये डिडक्ट होगा तो इसको वो लिख कर ही नहीं आते एग्जाम में तो जिसके भी मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं बिकॉज हमारी स्टेप मार्किंग होती है एंड फॉर ईच एंड एवरी लाइन आइटम वी गेट मार्क्स तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको नोट्स भी लिखने हैं एग्जाम में कि आपने वो एडजस्टमेंट क्यों करी है और अगर किसी भी आइटम की किसी भी लाइन आइटम की कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी है तो उसको भी शो करके जरूर आना है या तो आप अमाउंट को जीरो लिखो या तो हाई डाल दो तो बस या तो आप निल निर्ल कराओ उसमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था केसडी फोर का ये था एस सी पी एम से फोर मार्क्स का क्वेश्चन था एंड इसमें मुझे पूरे फोर मार्क्स मिले थे बिकॉज ये डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन था तो जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना था और इसी का थर्ड क्वेश्चन अगेन डी का थियरटिकल क्वेश्चन था थ्री मार्क्स का तो जिसमें मुझे 2.5 पॉइंट फाइव मार्क्स मिले थे आउट ऑफ थ्री ये बहुत इजी क्वेश्चन था डी का तो इन केस स्टडी फोर आई हैव स्को 12.5 पॉइंट फाइव मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टीन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं आउट ऑफ फिफ्टीन आफ्टर केस स्टडी फोर मैंने अटैम्प किया था केस स्टडी थ्री तो केस स्टडी टू मैंने ऑप्शनल में लीव करी थी अब केस स्टडी थ्री का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था वो एफ आर से था प्रैक्टिकल क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स का था अगेन जिसमें से मुझे फोर पॉइंट फाइव मार्क्स मिले हैं तो स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से हमें फोर पॉइंट फाइव मार्क्स मिले हैं इसमें डायरेक्ट इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन था इंडेस वन वन फाइव का तो नवंबर ट्वेंटी थ्री में क्योंकि मैंने इंडेस पढ़ रखे थे तो मुझे पता चल गया था कि ये किस चैप्टर से है और ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है तो जल्दी से मैंने उसको आइडेंटिफाई करके अटैम्प्ट कर लिया ये क्वेश्चन बस फिगर चेंज रहती है जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमारे डायरेक्टली बुक से ही आए थे हमारे मे ट्वेंटी फोर अटैम्प्ट में तो अगर आपके अटैम्प्ट में भी डायरेक्टली से ही क्वेश्चन आते हैं बस चेंज होती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से है किस टॉपिक से है ताकि आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लो और सॉल्व कर लो बिकॉज पेपर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में दूसरा काफी स्टूडेंट्स कंपाइलर लेकर जाते हैं केस स्टडी के कंपाइलर जो कि मैं भी लेके गई थी एग्जाम में बट आईसीआई ने मे 24 में कोई भी केस स्टडी रिपीट नहीं करी थी जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में एंड आई हैव सीन कि मेनी स्टूडेंट्स जिनके पूरी की पूरी एक केस स्टडी एग्जाम में छूट गई थी तो मतलब उन्होंने सिर्फ सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था और अगर हम सिर्फ सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे लिए पास होना या फिर एग्जामेशन लाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो अटैम्प्ट तो हमें पूरा हंड्रेड मार्क्स का ही करना है एग्जाम में जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें सारे क्वेश्चन जल्दी से मिलने चाहिए बुक में और वो तभी मिल पाएंगे जब हमें पता होगा कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है और किस चैप्टर का है जिसके लिए हमें सब कुछ पहले से पढ़ के जाना चाहिए जो स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप टू के लिए अपियर कर रहे हैं तो उनको ग्रुप वन में एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये chapter, ये चैप्टर जो भी क्वेश्चन आया है वो किस चैप्टर से आया है ताकि वो उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर ले और जो भी हमें स्टार्टिंग में फिफ्टीन मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसी में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आईसीए ने कोई केस स्टडी या फिर कोई क्वेश्चन रिपीट करा है कि नहीं करा और उसके लिए भी जो हमारे पास कंपाइलर होता है तो उसको भी हमें अच्छे से गो थ्रू करके जाना है एग्जाम से पहले ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इमिजिएटली स्ट्राइक हो जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो कंपाइलर से है अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तो केस स्टडी थ्री में जो भी सेकेंड क्वेश्चन था ये अगेन ऑडिट से था थोरेटिकल क्वेश्चन जिसमें मुझे फाइव में से टू पॉइंट फाइव मार्क्स मिले थियोरी में जनरली कम मार्क्स मिलते हैं अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन सारा नहीं करते हैं तो लेकिन जो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट की अगर कुछ भी होते हैं तो उसको हम हाईलाइट करें जैसे कि मैंने इसमें अंडरलाइन करे थे जिससे कि एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है उन आंसर्स को चेक करना अदरवाइज हमें मार्क्स कम मिलते हैं इसका जो भी लास्ट क्वेश्चन था ये था डीटी से थेरेटिकल क्वेश्चन अगेन फाइव मार्क्स का जिसमें मुझे मिले थे टू पॉइंट फाइव मार्क्स तो इन केस स्टडी थ्री आल्सो आई गॉट नाइन पॉइंट फाइव मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स तो अगर हम समरी देखें मेरे मार्क्स की तो केस स्टडी वन जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें मुझे मिले सेवन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन केस स्टडी टू आई हैव लेफ्ट इन ऑप्शनल केस स्टडी थ्री में मुझे मिले नाइन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन केस स्टडी फोर में आई गॉट ट्वेल्व पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन एंड केस स्टडी फाइव आई गॉट सेवन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन तो जिसकी वजह से मेरे टोटल मार्क्स जो भी बने थे वो बने थे थर्टी सेवन एंड एम सी क्यू में भी मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करे थे थर्टी मार्क्स आउट ऑफ फॉर्टी जिसकी वजह से मैंने एग्जामेशन स्कोर करी इस पेपर में और मुझे सिक्सटी सेवन मार्क्स मिले तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इतना अच्छे से नहीं जाता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको एम सी यू में एटलीस्ट थर्टी अबव तो स्कोर करने ही है जिससे कि आपको एग्जाम्पन स्कोर करना ईजी हो जाए तो ये था मेरा पूरा पेपर आई बी एस का इसमें मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सारे मॉड्यूल्स कैरी करने हैं आई के बिकॉज उधर एग्जाम हॉल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कितने भी बुक्स लेकर जा सकते हो और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं हमारे अटैम्प्ट में तो यही हुआ था कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से आए थे बस फिगर चेंज हुई थी तो उसके लिए आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है बट ऑब्वियसली फिगर्स अलग होते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करना है फिर जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है बिकॉज अगर आप इरेवेंट कुछ भी लिख कर आओगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं जैसे कि आपने मेरे आंसर शीट भी देखे थे मैंने इतना सारा वन वन टू टू पेजेस के आंसर लिखे लेकिन मुझे फिर भी काफी क्वेश्चन में आउट ऑफ फाइव टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव मार्क्स ही मिल रहे थे तो जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको उसी को आंसर करना है इ अगर आप लिखोगे तो आपको उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे दूसरा आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा थर्ड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उनको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है

जब भी कंप्लीट हो गया आंसर फाइव पॉइंट सेवन और आप टॉप मिडल में लिखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहेगी दूसरे एग्जामिनर भी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपने नया क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया है तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आपके इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो भी आई बी एस से रिलेटेड होते हैं लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इन सॉल्विंग ऑल ऑफ योर क्वेरीज तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना तो ठीक है गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स